चंडीगढ़ से बस एक घंटे की दूरी पर उपस्थित पिंजौर के बाग एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को छिपाए बैठे हैं। एक ऐसे राजा की जिसने मुगलों को अपने राज्य से दूर रखने का एक अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला। पिंजौर बाग की स्थापना पंजाब के मुगल गवर्नर फिदई खान ने 1760 से 1761 में की थी। खूबसूरती के शौकीन उन्होंने बाग और उसके आसपास की इमारतों को पंचकुला के झरने के समीप बड़े ही प्यार से बनाया। इस बाग की तुलना मुगलों के अन्य शानदार बागों से होने लगी, पर खान ज्यादा दिनों तक इनका आनंद नहीं ले पाया। बाग के बनने के सिर्फ 7 साल बाद ही उन्हें पिंजौर छोड़ देना पड़ा और इसकी वजह बड़ी ही दिलचस्प थी। लोक कथाओं के अनुसार भवाना के राजा को मुगलों को पिंजौर से दूर रखना था और इसलिए उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे फिदई खान और उनके सहभागी जाने को मजबूर हो गए। उन दिनों में हिमालय के निचली पहाड़ियों में नमक में आयोडीन कम होने की वजह से बहुत से लोगों को घेंघा की बीमारी हो रही थी। राजा ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने घेंघा रोग से पीड़ित लोगों को अपने राज्य में इकट्ठा किया ताकि ऐसे दिखे कि वह पिंजौर के ही नागरिक है। उन्होंने ऐसे लोगों को दरबार में नौकरों और बागबानों का काम भी दिया ताकि मुगलों को ये लगे कि पूरे राज्य में ये बीमारी फैली हुई है। गवर्नर के जनाना की औरतों को ये बताया गया कि पिंजौर का जल और उसकी हवा प्रदूषित है जिससे ये बीमारी हो रही है। इस बात को सुनकर ये औरतें इतना डर गई कि उन्होंने तुरंत पिंजौर छोड़ने की ठान ली। फिदई खान को उनकी बात माननी पड़ी और वो फिर कभी अपने सुंदर बागों को देखने पिंजौर नहीं लौट पाए। कुछ समय बाद पिंजौर के इन विशाल बागों को पटियाला के राज परिवार ने ले लिया और यहाँ अपना अवकास घर बना दिया। आजादी के बाद महाराजा यदविंदर सिंह ने पिंजौर बाग को भारत सरकार को दान कर दिया। आज इन्हें यदविंदर बाग के नाम से जाना जाता है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। पर शायद ही यहाँ सैर करने वाले लोगों को पिंजौर के इस अनोखे इतिहास के बारे में पता हो।